हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 20 नवंबर करंट अफेयर वीडियो को, और साथ में देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हैं तो, बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। देखेंगे हमारे करंट अफेयर के 614 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन 1 के साथ। किस फिल्म अभिनेत्री ने हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो किस अभिनेत्री को किया गया, वो किया गया रिचा चड्ढा को। किसे? रिचा चड्ढा को। जो रिचा चड्ढा अभिनेत्री है भारतीय फिल्म की, उनको जो है अंबेडकर जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है 2020 के। अभिनेत्री को वो अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया, और उन्हें सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है। रिचा चड्ढा का जन्म 28 दिसंबर 1988 को पंजाब के अमृतसर में हुआ है। रिचा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ओए लकी ओए से की थी। रिचा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। कहाँ से की थी इन्होंने? मॉडलिंग से। फटाफट देखेंगे रिविजन क्वेश्चन 1 के साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 एशियन प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की जो है घोषणा की है? तो वो किया 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषन केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया क्रिस गोपाल कृष्णन को। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रोमिस्ड लैंड किताब है उसके विमोचन किया? तो वो किया बराक ओबामा ने। फीफा ने किस देश में होने वाले जो अंडर 17 महिला विश्व कप COVID-19 उसको स्थगित कर दिया? तो भारत में होने वाला था, उसको क्या स्थगित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो वो लगाया 1 करोड़ रुपए का। पांडुचेरी के जो पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की जो पहली महिला सांसद थी इन चंद्रावती, उनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वो कहाँ की थी पहली सांसद? वो थी हरियाणा की। कहाँ की थी? हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर है 2, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हो गया? उनका क्या नाम था? उनका नाम था, साहित्यकार थे जो है मृदुला सिन्हा, वो कहाँ के थे? गोवा के। और उनका जो निधन हुआ है वो है 18 नवंबर को। वो कितने वर्ष के थे? 77 साल के। वे एक कुशल लेखिका भी थी, और जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया है। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृदुला सिन्हा 2014 से 2019 तक क्या है गोवा की राज्यपाल रही थी। कब से कब तक? 2014 से 2019 के मध्य। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। अभी तक शेयर ना किया तो विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 जो वैश्विक शहरों की सूची है उसमें कितने भारतीय शहरों को जो है जगह मिली है? तो कितने को मिली है इसके अंदर? वो मिली है बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर, हैदराबाद सहित जो है 4 भारतीय जो शहर है उनको इसमें जगह मिली है, जिन्होंने इस तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप तैयार किया है। इस सूची यह सूची विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी की गई है। बता दें कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पैदा हुए हालात में तकनीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WEF ने 22 देशों और 6 उपमहाद्वीपों के ऐसे 36 शहरों को चयन किया है जो कि G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी के लिए एक नई वैश्विक नीति रोड मैप मुहैया कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किन दो देशों के एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो किनके मध्य हुए हैं? वो है जापान और ऑस्ट्रेलिया। किसके मध्य? जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो है दक्षिण चीन और इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को अंकुश लगाने के लिए जो है ये ऐतिहासिक रक्षा सौदा उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के एक्वा क्वाड गठबंधन के विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हाल हुए सम्मेलन में कुछ ही सप्ताह बाद यह पारंपरिक समझौता हुआ है, जिसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को एक दूसरे के यहाँ जाने और परीक्षण पाने की जो है सुगमता होगी, और वे संयुक्त अभियान आयोजित कर सकेंगे। किस देश के फीफा अंडर 17
17 महिला विश्व कप 2022 की जो है मेजबानी का अधिकार दिया गया, तो किसे दिया गया, वो है भारत को। भारत को जो है इस साल होने वाला जो फीफा वर्ल्ड कप था उसको रद्द स्थगित कर दिया गया है, और इसे अब आगे मेजबानी 2022 की वो मिली है भारत को। भारत को जो 2022 की मेजबानी का अधिकार सौंपा गया है, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस खेल का आयोजन जो है स्थगित करना पड़ा, और इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण 2021 के लिए स्थगित किया गया है। यह फैसला फीफा परिषद के उस ब्यूरो द्वारा लिया गया है जिसने मौजूदा कोविड महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रही असर का आकलन किया है। फटाफट देखेंगे आज का जो सवाल है आपके लिए, और जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, सही आंसर देने वाले विजेताओं के जो नाम है अगले वीडियो के अंदर शेयर किया जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या आपके लिए, फटाफट आंसर देंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के रक्षण के लिए, गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का जो है फैसला किया है, तो किस सरकार ने किया, किस राज्य सरकार ने किया, फटाफट आंसर देंगे। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या झारखंड। तो किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए कैबिनेट के गठन को मंजूरी दी है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है वो संचालित होगी, तो कहाँ होगी, वो होगी महाराष्ट्र के परभणी जिले के अंदर। कहाँ पर होगी ये स्थापित, महाराष्ट्र के परभणी जिले के अंदर। 30 एकड़ भूमि में फैली ये भवानी महिलाओं को सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत कितनी है, 100 करोड़ रुपए। परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है जो मिल के परिसंचालन के साथ साथ जिलों में औद्योगिक क्षेत्र को क्या है, गति प्रदान करेगा। ये इंग्लैंड के क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जा रही है, तो किस देश के दौरे पर जा रही है 16 साल के बाद, तो है पाकिस्तान के दौरे पर। साल 2021 अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान का दौरा करेगी, और दो T20 मैच की जो सीरीज खेली जाएगी, ये दो मैच कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच कब होगा, 14 अक्टूबर को, और दूसरा होगा 15 अक्टूबर को कराची में। यानी दो ये T20 जो है मैचों की सीरीज होगी, और दोनों है 14 और 15 अक्टूबर को मैच खेले जाएंगे, वो भी कराची के ही एक स्टेडियम के अंदर। यह जो है 16 साल बाद मौका है जब इंग्लैंड की टीम है पाकिस्तान का दौरा करेगी। फटाफट आगे देखें मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन, तो फटाफट अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है आपके आने वाले हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाने वाले जो है ये बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। तो पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन को सही से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत में परमाणु बम परीक्षण का पहला विस्फोट किस राज्य में किया गया था। तो भारत के अंदर परमाणु बम परीक्षण का पहला विस्फोट किस राज्य के अंदर किया गया था, तो कहाँ किया गया, यह किया गया था राजस्थान के पोकरण के अंदर। कहां पे, राजस्थान में पोकरण जो रेंज है उसके अंदर यह पहला टेस्ट किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा जिसे औपचारिक रूप से क्या है पोकरण वन के रूप में नामित किया गया था, भारतीय गणराज्य के पहले परमाणु परीक्षण विस्फोट को दिया गया कूट नाम है, जिसे 18 मई 1974 को क्या है पोकरण नगर पालिका के अंदर जो है पोकरण टेस्ट रेंज उसमें किया गया था। कब किया गया था, 1974 के अंदर इसे किया गया था। तो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट दोस्तों को शेयर कर देंगे, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे फटाफट अपने जो है फीडबैक हमें जरूर देंगे। भारत के भौगोलिक जो मानचित्र है उसको कौन तैयार करता है, तो कौन करता है, वो करता है सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका जो है मानचित्र है वो सर्वेक्षण के आरंभ में भारत की केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी है। इसे कब स्थापित किया गया था, 1767 के अंदर इसे स्थापित किया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग को, और जो यही है भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करने के लिए ये भारत सरकार के सबसे पुराने इंजीनियरिंग विभागों में से क्या है, एक विभाग माना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है, तो कौन सा स्मारक है, वो है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का जो किला है पहले आबाद विश्व धरोहर स्मारक है। जैसलमेर का किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है, और ये भारतीय राज्य जो राजस्थान है उसमें स्थित जैसलमेर शहर
शहर में स्थित है। ये एक विश्व धरोहर स्थल है। 1156 ईस्वी में राजपूत शासक रावल जैसल द्वारा यह मनाया गया था, जहां से इसका नाम प्राप्त होता है। यानी आप उसे पूछा जाए कि जैसलमेर का जो किला है वो किसके द्वारा मनाया गया और किस सन में मनाया गया, तो ये मनाया गया था 1156 ईस्वी के अंदर। और किसके द्वारा? रावल जैसल के द्वारा, जिसी से क्या है जैसलमेर का जो है नामकरण हुआ, जैसलमेर। रावल जैसलमेर से क्या नाम पड़ा? जैसलमेर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि प्रकृति और ग्रह पृथ्वी की रक्षा के लिए सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई करने के वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके, और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा क्या चलाया जाता है। आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसके मारक निर्माता कौन है? तो वह है हिंदू सॉरी भारतेंदु हरीश चंद्र को, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये आधुनिक भारत के महान हिंदी लेखकों में से एक माने जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है? जैसे अभी राजस्थान जो पुलिस का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो है काफी नृत्य के बारे में क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही जो नृत्य के क्वेश्चन है वो लगभग परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो किसका है? वो है आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश राज्य का। ये कुचिपुड़ी जो नामक एक नृत्य है, और ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कुचिपुड़ी जो नामक एक गाँव है आंध्र प्रदेश के अंदर, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी एक नृत्य नाट्य के प्रदर्शन है, जिसे जड़े प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ्य नाट्य शास्त्र में है। क्वेश्चन नंबर है 7, गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है जयदेव। कौन है? जयदेव। गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण और उसकी सुंदर गोपियों की कहानी है। इसे 12 अध्यायों के अंदर जो है संकलित किया गया है। यह कृति किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक है जयदेव, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इसकी क्या रचना की थी। आज का जो सवाल था उसके बाद देखते हैं पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। तो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार का राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो किस मुख्यमंत्री की शपथ ली है 7वीं बार? तो वह नीतीश कुमार सरकार। आज की जो मोटिवेशन लाइन है वो देख लेते हैं। दूसरों की ऊंची उड़ान देखकर जलने वाले लोग स्वयं अपनी उड़ान को भूल जाते हैं। मिलती मंजिल तब है जब मिलकर चलते हैं लोग। क्या है? दूसरों की ऊंची उड़ान देखकर जलने वाले लोग स्वयं अपनी उड़ान को भूल जाते हैं, और मिलती है मंजिल तब जब मिलकर चलते हैं लोग। और जो सही आंसर देने वाले जो विजेता हैं लास्ट वीडियो के, उनमें पहले स्थान पे है जयंत शर्मा, दूसरे पे हैं ममता जी, तीसरे पे हैं कुंदन जी, और आगे हैं सुधांशु कुमार, मुकेश झांगड़े, नेहा तंवर, सपना कुमारी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।